प्यारे बच्चों, आज हम भारत की खोज का पाठ पांच, नई समस्याएं भाग पांच पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले है रणजीत सिंह और जय सिंह, तो आओ इसे पढ़ते हैं। आतंक के इस दौर में जनता सामान्यतः त्रस्त और पस्त जरूर थी, पर अनेक व्यक्ति ऐसे अवश्य रहे होंगे जो उस समय सक्रिय नई शक्तियों को समझना चाहते होंगे, लेकिन घटनाओं की बाढ़ ने उन्हें दबा दिया और उनका कोई प्रभाव ना पड़ सका। त्रस्त, भयभीत, पस्त, थका हुआ, ऐसे व्यक्तियों में जिनमें जिज्ञासा भरी हुई थी, महाराजा रणजीत सिंह थे। वे जाट सिख थे जिन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया था, कायम अर्थात स्थिर। बाद में यह साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबे तक फैल गया, सरहदी सीमा से संबंधित सूबे राज्यों का एक भाग। अपनी कमजोरियों के बावजूद वह एक अद्भुत व्यक्ति था। वह अत्यंत मानवीय था। उसने एक राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया, फिर भी वह खून खराबा पसंद नहीं करता था। जब इंग्लैंड में छोटे मोटे चोर उचक्कों को भी मौत की सजा भोगनी पड़ती थी, उसने मौत की सजा बंद कर दी, चाहे जुर्म कितना ही बड़ा हो। युद्ध के सिवाय उसने कभी किसी की जान नहीं ली, गरचे उसकी जान लेने की कोशिश एकाधिक बार की गई। उसका शासन निर्दयता और दमन से मुक्त था। एक दूसरा पर कुछ और ही ढंग का भारतीय राजनेता राजपूताने में जयपुर का सवाई जयसिंह था। सवाई जयपुर के राजाओं की एक उपाधि। उसका समय कुछ और पहले था। उसकी मृत्यु 1743 ईस्वी में हुई थी। वह औरंगजेब की मृत्यु के बाद होने वाली उथल पुथल के समय हुआ था। वह इतना चतुर और अवसरवादी था कि एक के बाद एक लगने वाले धक्कों और परिवर्तनों के बावजूद बचा रहा। वह बहादुर योद्धा और कुशल राजनयिक तो था ही, इससे बढ़कर वह गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी और नगर निर्माण करने वाला था, और उसकी दिलचस्पी इतिहास के अध्ययन में थी। खगोल विज्ञानी, अंतरिक्ष की जानकारी रखने वाला। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनाई। वेधशाला जहाँ नक्षत्रों, ग्रहों आदि को देखने के लिए यंत्र रखे होते हैं, उन्हें वेधशाला कहते हैं। उसने जयपुर नगर बसाया। उसने उस समय के कई यूरोपीय नगरों के नक्शे इकट्ठे किए और फिर अपना नक्शा खुद बनाया। इन पुराने यूरोपीय नगरों के कई नक्शे जयपुर के अजायब घर में सुरक्षित है। अजायब घर अर्थात पुरानी वस्तुओं का संग्रह। जयपुर नगर की योजना को अब भी नगर निर्माण का आदर्श समझा जाता है। लगातार युद्धों और दरबारी षड्यंत्रों के बीच अक्सर खुद उलझे रहने पर भी जयसिंह ने बहुत कुछ किया। जयसिंह की मृत्यु के केवल 4 वर्ष पहले नादिर शाह का आक्रमण हुआ। भारतीय इतिहास के सबसे अधिक अंधकारमय युग में, जब उथल पुथल, युद्ध और उपद्रवों से माहौल भरा था, राजपूताना के ठेठ सामंती वातावरण में जयसिंह ने वैज्ञानिक की तरह उठकर काम किया। यह बात बहुत महत्वपूर्ण थी। उपद्रवों यानी कि मार काट मचना, लूट पाट मचना, उसे हम उपद्रव कहते हैं। ठेठ होता है पूरी तरह से निपट, जिसको हम कहते हैं। सामंती यानी कि भू का स्वामी या भू का मालिक। भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के दो रूप। अब इसको पढ़ते हैं बच्चों। अपने आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम था भारतीय माल लेकर यूरोप में व्यापार करना। कंपनी को इससे बहुत लाभ हुआ।
भारतीय कारीगरों और शिल्पियों की कारीगरी इस स्तर की थी कि वे इंग्लैंड में उत्पादन के उच्चतर तकनीकों का बड़ी सफलता से मुकाबला कर सकते थे। जब इंग्लैंड में मशीनों का युग शुरू हुआ, उस समय भारत भी भारतीय वस्तुएं इतनी बहुतायत से वहां भरी रहती थी कि भारी चुंगी लगाकर और कुछ चीज़ों को तो आना बंद करके रोकना पड़ा। चुंगी यानी कि माल बेचने वालों से लिया जाने वाला कर। पर यह बात स्पष्ट है कि भारत का अर्थतंत्र चाहे जितना विकसित रहा हो, अर्थतंत्र मतलब धन से संबंधित, बहुत दिनों तक उन देशों के माल से मुकाबला नहीं कर सकता था जिनका औद्योगिकरण हो चुका था। आवश्यक हो गया था कि या तो वह अपने यहाँ कल कारखाने लगाए या विदेशी आर्थिक घुसपैठ के सामने समर्पण करे। घुसपैठ मतलब चोरी छिपे आना जाना, जिसका आगे परिणाम होता राजनीतिक हस्तक्षेप। हुआ यह कि विदेशी राजनीतिक हुकूमत ने यहाँ पहले आकर बड़ी तेजी से उस अर्थतंत्र को नष्ट कर दिया जिसे भारत ने खड़ा किया था, और उसकी जगह कोई निश्चित और रचनात्मक चीज सामने नहीं आई। ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वशक्तिमान थी, व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह धन कमाने पर तुली हुई थी। ठीक उस समय जब वह तेजी से अपार धन कमा रही थी, एडम स्मिथ ने सन 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा, एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। इंग्लैंड का भारत में आगमन तब हुआ जब 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना दिया, परवाना अर्थात लिखित आज्ञा। उस समय शेक्सपियर जीवित था और लिख रहा था। 1608 ईस्वी में मिल्टन का जन्म हुआ। इसके बाद हैम्पडेन और कॉमवेल सामने आए और राजनीतिक क्रांति हुई। 1660 ईस्वी में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई जिसने विज्ञान की प्रगति में बहुत हिस्सा लिया। 100 साल बाद कपड़ा बुनने की तेज ढरकी का आविष्कार हुआ और उसके बाद तेजी से एक एक करके कातने की कला, इंजन और मशीन के करघे निकले। इन दो में से भारत कौन सा इंग्लैंड आया? शेक्सपियर और मिल्टन वाला शालीन बातों लेखन और बहादुरी के कारनामों वाला राजनीतिक क्रांति और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाला, विज्ञान और तकनीक में प्रगति करने वाला इंग्लैंड, या फिर बर्बर दंड संहिता और निशंस व्यवहार वाला वह इंग्लैंड जो सामंतवाद और प्रतिक्रियावाद से घिरा हुआ था, बर्बर जो असभ्य निशंस निर्दयी। ये इंग्लैंड एक दूसरे को प्रभावित करते हुए साथ साथ चल रहे हैं और उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी यह हो जाता है कि इंग्लैंड गलत भारत के संपर्क में आकर उसे बढ़ावा दे। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र होने का समय लगभग वही है जो भारत के स्वतंत्रता खोने का समय है। यह सच है कि अमरीकियों ने बहुत से गुण हैं और इस हम में बहुत सी कमजोरियां हैं। यह भी सच है कि अमेरिका में नई शुरुआत के लिए बिल्कुल अनछुआ और साफ मैदान था, जबकि हम प्राचीन स्मृतियों और परंपराओं से जकड़े हुए थे। फिर भी इस बात की कल्पना करना कठिन नहीं है कि यदि ब्रिटेन ने भारत में यह बहुत भारी बोझ नहीं उठाया होता जैसा कि उन्होंने हमें बताया है, और लंबे समय तक हमें स्वराज्य करने की वह कठिन कला नहीं सिखाई होती जिससे हम इतने अनजान थे, तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध होता
बल्कि विज्ञान और कला के क्षेत्र में और उन सभी बातों में जो जीवन को जीने योग्य बनाती है, उसने कहीं अधिक प्रगति की होती। प्रगति मतलब आगे बढ़ा होता, विकास किया होता। तो बच्चों, हमने आज ये पाठ 5 नई समस्याएं का भाग 5 पढ़ा, तो आपको ये अवश्य ही समझ आया होगा। अब हमारा ये पाठ अब ख़त्म होता है और इसके बाद अगली वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही।